हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विस्तार का फिफ्थ चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो कि लिखा गया जॉन अपडाइक के द्वारा, वो पढ़ेंगे। ये काफी सिंपल सी और शॉर्ट सी स्टोरी है जो कि हमें एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू और एक अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को बताती है। मतलब एक बच्चे के और एक बड़े हुए आदमी के, उनके दोनों का जो देखने का नजरिया होता है दुनिया की तरफ, उसको जताती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक का नाम है जो, जो कि एक छोटी लड़की है और सिर्फ 4 साल की है, और दूसरा है जो का पिता जिसका नाम है जैक। जो जब 2 साल की थी, उसको तब से ही सोने से पहले कहानी सुनने की आदत लग गई है। अब बिना कहानी सुने से नींद आती नहीं है, और जैक जो है उसको हमेशा कहानी सुनानी पड़ती थी, तभी वो जो सोती थी। और जब तक जैक उसे कहानी नहीं सुनाता था, इसलिए वो नहीं सोती थी। अब जैक रोज नई कहानी तो सुना नहीं सकता था, तो इसलिए उसकी जो ज़्यादातर कहानियाँ हैं उस लगभग सेम सी होती थी। उनकी जो उसकी सारी कहानी है जिसने वो सुनाता है, उसमें ज़्यादातर एक पैटर्न फॉलो होता था। अब वो पैटर्न क्या है, उसकी ज़्यादातर स्टोरी में एक एनिमल होगा जिसका नाम रोजर होगा, और उस रोजर जो रोजर करके जो एनिमल है उसको कोई दिक्कत होती है। अब उसे दिक्कत होती है, इसलिए वो एक बूढ़े और समझदार आउल के पास जाता है। आउल माने उल्लू, उसके पास जाएगा। उल्लू उसे सलाह देता है कि जाओ, तुम एक विजार्ड है यहाँ करके, तुम विजार्ड के पास चले जाओ। और फिर वो एनिमल विजार्ड के पास जाएगा, एनिमल विजार्ड के गेट पे ठपठपाएगा, तो विजार्ड आएगा, फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और कुछ पैसे मांगेगा। यहाँ पर वर्ड बुक में आपको वर्ड दे रखा होगा पैनी। पैनी होता है, पैनी का मतलब क्या होता है, पैनी होती है किसी भी करेंसी की सबसे लोवेस्ट यूनिट। जैसे हमारे इंडियन रुपीज़ की सबसे लोवेस्ट यूनिट क्या है, पैसे, वैसे ही पैनी का मतलब उनकी करेंसी का सबसे लोवेस्ट यूनिट। तो हाँ, तो जो विजार्ड है वो कुछ पैनी डिमांड करता है उससे कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब तुम मेरे को इतने इतने पैनीज ला के दो। अब वो जितने भी पैनी मांगता है विजार्ड, हमेशा उस रोजर संघ के पास उससे कुछ कम ही पैनीज होते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पास कम है। तो विजार्ड उसे बोलता है कि जाओ, यहाँ पर एक कुआ है, उसके कुछ वहाँ पर एक जादुई कुआ है, वहाँ उसके कुछ चक्कर लगा के आओ, तुम्हें जो बाकी के पैनीज है वो मिल जाएंगे, और फिर वो लाके मेरे को दे देना। और फिर वो जो रोजर है वो खुशी खुशी घर आ जाता है। फिर उसके पिता जो हैं वो ट्रेन से घर आते हैं, और वो पूरा परिवार साथ में मिलके खाना खाता है, और ये हैप्पी एंडिंग होती थी उसकी हर एक स्टोरी की। और जो जो थी वो हर बार खुश हो जाती थी है कि इतनी अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई, और सेटिस्फाई होकर सो जाया करती थी। लेकिन अब क्या है, अब जो जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब वो बीच बीच में मोरल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगती है कि ये करना सही था क्या, ये करना गलत था। अब जैसे बच्चे छोटे छोटे कई सवाल पूछते हैं जिसका आंसर देना हम बड़े लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके भी किसी बेबी के साथ रहे होंगे या फिर किसी छोटा भाई वगैरह होगा आप लोगों को, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो को सुनाने के लिए जैक उससे बोलता है कि चलो आज कौन सी स्टोरी सुनाई जाए। तब जो बोलती है कि रोजर स्कंक के बारे में सुनाओ आज मेरे को स्टोरी। जैक सोचता है रोजर स्कंक ये नया एनिमल, इसने जरूर नर्सरी अपनी जो क्लास में पढ़ा होगा क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगी थी। तो वो अपनी अब स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि एक बार एक जंगल में रोजर स्कंक करके एक जानवर होता है, वो काफ़ी बैड स्मेल करता है, मतलब उसमें से बहुत गंदी बू आती है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके इतनी गंदी बू आती है उसमें से, तो इसलिए उसके साथ कोई भी और कोई सा जानवर उसके साथ खेलता नहीं है, और सब उसको भगा देते हैं, उसको नफरत करते हैं उससे, उसको अपने साथ खेलने नहीं देते। इसलिए वो काफ़ी दुख हो जाता है और रोने लगता है। वो रोते रोते एक बड़े ट्री के पास जाके पहुंचता है, और उस ट्री के ऊपर एक बूढ़ा और समझदार आउल रहता है, आउल यानी उल्लू। और जो रोजर स्कंक होता है, फिर वो आउल से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बोलता है कि आउल मुझे प्लीज़ बताओ, मेरा इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ कि मैं इतना बैड स्मेल करता हूँ इसलिए मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो आउल से बोलता है कि इसका सॉल्यूशन तुम्हें जरूर विजार्ड के पास मिलेगा, यहाँ करके एक जगह है, तुम उधर जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन देगा तुम्हें। तो फिर जो स्कंक है वो वहाँ को चले जाता है। अब जैसे यहाँ पर बीच में जो अब जैसे जैक यहाँ पर कहानी सुना रहा होता है, बीच में जो उसे टोक देती है और बोलती है कि पापा क्या ये जादूगर और ये जादू सच्ची में होते हैं। जो जैक है वो उसका समझदारी से रिप्लाई करके बोलता है कि हाँ इस कहानी में तो है,
इस लाइन को इंक्लूड करने का ये मतलब था कि जैक ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछने लगे, मॉरल क्वेश्चन पूछने लगे, जैसे उसने अभी कुछ समय कुछ दिनों पहले ही अपनी माँ से पूछा था कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो सही में कीड़े मकोड़े खाती हैं, या फिर अपने पापा से जब पूछा था उन्होंने कि जो भगवान है क्या सच्ची में होता है और क्या सच्ची में हमारे चारों तरफ है, तो वो ऐसे मॉरल क्वेश्चन पूछने लगी थी और ऐसे वो कई सारे क्वेश्चन पूछती है इस पूरी स्टोरी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और इस स्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैक अपनी फिर स्टोरी कंटिन्यू करता है। रोजर स्कंक विज़ार्ड के पास जाता है और विज़ार्ड से बोलता है कि मैं इतना मेरे में से इतनी अच्छी गंदी स्मेल आती है, क्या तुम मेरी स्मेल इसका कुछ सॉल्यूशन कर सकते हो? तो विज़ार्ड बोलता है हाँ मैं उसका कर सकता हूँ। हाँ यहाँ पर भी बीच में जो अपने सवाल पूछती है कि क्या वो जो विज़ार्ड्स होते हैं या फिर विज़ार्ड यानी जादूगर, क्या ये हमेशा के लिए जीते हैं, क्या ये मरते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो क्वेश्चन बीच बीच में हर स्टोरी के हर एक डिफरेंट पार्ट में पूछती रहती है। तो विज़ार्ड जब क्या करता है, विज़ार्ड जो है अपने ढेर में से अपनी जादू की छड़ी निकालता है, जो जादू की छड़ी निकालता है और उसको उससे बोलता है कि तुम्हें किसकी स्मेल चाहिए। रोजर स्कंक बोलता है कि मेरे को गुलाबों की खुशबू चाहिए, मतलब रोजेज की खुशबू चाहिए, मुझे गुलाब की तरह महका दो। तो इसलिए वो उसको गुलाब की तरह महका देता है। रोजर स्कंक काफ़ी खुश होता है, लेकिन फिर विज़ार्ड उससे कुछ पेनीज मांगता है और उसके पास कम पेनीज होती है। फिर वो विज़ार्ड उसे बताता है कि वहाँ पर एक मैजिकल वेल है, उसके चक्कर लगा के आओ और जितने फिर वो जो पैसे मिलेंगे तुम्हें वो मेरे को भी दे देना। तो रोजर स्कंक ऐसे ही करता है तो वो खुशी खुशी वापस लौट जाता है। फिर वो जाके बाकी जानवरों के साथ खूब खेलता है और अब कोई भी उनके साथ हेट नहीं करता, बाकी जानवर भी उसको खुशी खुशी उसके साथ खेलते हैं। अब यहाँ पर जो सोचते हैं कि बस अब स्टोरी एंड ही होने वाली है, इसलिए उसका थोड़ा ध्यान व्यान भटकने लगता है। यह देख के जो जैक है वो काफ़ी खुश नहीं होता है, इसलिए वो सोचता है इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तो क्या करता है, वो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता है। अब किस तरह बढ़ाता है देखते हैं। तो रोजर स्कंक है वो खेल कूद के अपने घर आता है, तो उसके बाद उसकी माँ उसे सूंघती है तो बोलती है गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो रोजर स्कंक बोलता है ये मम्मी ये गंदी स्मेल मेरे में से आ रही है, अब मैं रोजेस की तरफ स्मेल कर रहा हूँ। हाँ, रोजर स्कंक की माँ को उन रोजेस की स्मेल गंदी लगती है क्योंकि उनका मानना है कि तुम एक स्कंक हो तो तुम्हें एक स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई टीचर्स मेरे हिसाब से मिस कर देते हैं और कई स्टूडेंट्स भी अक्सर मिस कर देते हैं कि हमें ना हमेशा खुद रहना चाहिए। जैसे कि रोजर स्कंक की माँ ने कहा कि तुम एक स्कंक हो तो तुम्हें एक स्कंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए, किसी के लिए भी तुम अपनी आइडेंटिटी मत बदलो, जो हो वही रहो, कहीं कमी आया तो उसको सुधारो लेकिन अपने आप को बदलो मत। जैसे कि कई करते हैं आजकल, कई ग्रुप में मिक्स होने के लिए टैटू बना लिया, या फिर तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल में कोई स्मोकिंग करते हो तुम भी स्मोकिंग करने लगे, वो गलत है। ठीक है, तो चलो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर रोजर स्कंक की माँ गुस्से में पूछती है कि ये कैसे हुआ, तुम किसने किया तुम्हारे साथ ये ऐसा? तो रोजर स्कंक बोलता है कि विज़ार्ड ने किया, मैंने उससे बोला था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो फिर वो रोजर स्कंक की माँ उसका हाथ पकड़ के विज़ार्ड के पास चले जाती है और वो विज़ार्ड को एक डंडा मारती है और बोलती है कि मेरे बेटे को दोबारा वैसे बना दो जैसा ये था, इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। तो विज़ार्ड वैसा ही करता है और फिर वो दोनों घर, फिर रोजर स्कंक और उसकी माँ दोनों घर आ जाते हैं और फिर रोजर स्कंक का फादर आ जाता है। यहाँ पर ये स्टोरी अब वैसी जो एंड था वो बिल्कुल वैसे ही होने वाला था, मतलब जैक वैसे ही बोलने वाला था कि अब उसके पापा आ गए, दोनों ने डिनर किया और फिर एंड हो गया। लेकिन जो इससे पहले ही टोक देती है, जो बोलती है कि ये क्या हुआ, अब तो रोजर स्कंक को कोई दोबारा उसके साथ खेलेगा नहीं और वो दोबारा सेट हो जाएगा, दोबारा रोने लग गया उसकी। वो बोलती है कि रोजर स्कंक की माँ तो बेवकूफ़ थी कि उसने विज़ार्ड को मारा, विज़ार्ड को दोबारा उसको मारना चाहिए था क्योंकि वो सोचते कि उसकी जो रोजर स्कंक की माँ थी वो गलत थी। लेकिन जैक वो खुद भी पेरेंट्स है और वो जानता भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। तो जो रोजर स्कंक की माँ ने किया वो बिल्कुल सही किया था, इसलिए वो उसका साइड लेता है कि रोजर स्कंक की माँ ने बिल्कुल सही किया है। तो फिर जो बोलती है तो क्या अब जो एनिमल्स है उसके साथ कभी नहीं, जो बाकी एनिमल्स है क्या वो रोजर स्कंक के साथ कभी नहीं खेलेंगे? तो जैक बोलता है नहीं, वो धीरे धीरे उसके साथ उसकी जो स्मेल है उसके साथ घुलने मिलने लगेंगे, पहले शुरुआत में कम लोग खेलेंगे पर धीरे धीरे उसके दोस्त बढ़ जाएंगे और वो भी खेल पाएगा अच्छे से। लेकिन फिर भी जो है अपनी बात को पकड़ के रखती है, बच्चे हैं जिद्दी तो होते ही हैं, और वो बोलते हैं नहीं अगली बार आप मेरे को ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विज़ार्ड दोबारा मम्मी को मारे और उसकी रोजर स्कंक की स्मेल ना बदले,
लेकिन जैक जो है वो उससे एग्री नहीं करता है और वो उससे बोलता है कि जाओ अब तुम सो जाओ, लेकिन वो सोती नहीं है और वो सोच में रह जाती है। तो फिर जैक बोलता है तुम सो रही हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं, और फिर जैक अपनी वाइफ की मदद करने चले जाता है जो नीचे वाले कमरे में पेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स बस यही थी छोटी सी स्टोरी, मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू था उस बच्चे का कि उसने सिर्फ, बच्चे देखो छोटे दूरदर्शी नहीं होते, वो सिर्फ पास का देखते हैं, उनके लिए अभी जो सही हो रहा है वो सबसे सही है, दूर का नहीं देखते ना। तो स्टूडेंट्स अगर आपका और कोई डाउट हो या फिर कोई बात मेरे से रह गई हो जो आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, तो पूछ लेना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। और लाइक करना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।